सामने। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इस समय ज्यादातर फिल्में पैन इंडियन लेवल पर रिलीज किया जा रहा है और सभी पैन इंडियन फिल्म के पीछे ज्यादातर डायरेक्टर का हाथ होता है जो अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से फिल्म को पैन इंडियन लेवल पर बनाता है। तो आज हम 10 ऐसे पैन इंडियन डायरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी आने वाली फिल्म 1000 से 2000 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाला है, वो भी पूरे देश में। यहाँ दोस्तों, और इस लिस्ट में कौन कौन सा पैन इंडियन डायरेक्टर होने वाला है, सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को वीडियो का अंत तक जरूर से देखना होगा। तो चलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके करते हैं स्टार्ट। Even if there is one single shot in Bahubali, Rajamouli, hats off, he is going to be number one in India. तो हमारे इस लिस्ट के नंबर 10 पर है सुकुमार सर, और सुकुमार सर तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। पुष्पा जैसी बड़ी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया था, अल्लू अर्जुन जैसे बड़े एक्टर के साथ। यहाँ दोस्तों, फिल्म डायरेक्टर सुकुमार सर की पहली पैन इंडियन वर्ल्डवाइड फिल्म होने वाला है, वो भी पुष्पा 2 के नाम से, जिसे डायरेक्टर सुकुमार सर पुष्पा से भी काफी बड़े लेवल पर बना रहा है, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। और आप तो जानते हो पुष्पा ने कितना तहलका मचाया था पूरे देश में, जिसकी वजह से इस फिल्म को सुकुमार सर काफी बड़े लेवल पर बना रहे हैं। यहाँ दोस्तों, और इस फिल्म के अंदर पुष्पा भाव के साथ श्री बल्ले जो की रोल में नजर आएंगे, और साथ ही में विलेन के रोल में आशपी भानवर सिंह दिखाई देंगे, वो भी एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह का कैमरा रोल भी देखने को मिलने वाला है, और साथ ही में विजय सेतुपति और जगोती बाबू जो की सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। यहाँ दोस्तों, इस फिल्म को 3 भागों में बना रहे हैं, जिसका ये दूसरा भाग होने वाला है। इसके अलावा इस फिल्म का डायरेक्टर यानी कि सुकुमार सर इस फिल्म को 500 करोड़ के बजट में बना रहा है, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर, क्योंकि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर रिलीज करने वाला है, वो भी पूरे देश में। उसकी वजह से फिल्म मेरे हिसाब से 1500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 15 अगस्त 2024 को, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर। अब रोल पुष्पा का। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 9 पर है ऋषभ शेट्टी, और ऋषभ शेट्टी कनाडा इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है इंडियन सिनेमा में। यहाँ दोस्तों, ऋषभ शेट्टी की लास्ट फिल्म आई थी कंतारा, जिसने 16 करोड़ के बजट में 450 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, वो भी अपनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के कारण। तो आप समझ ही गए होंगे ऋषभ शेट्टी कनाडा इंडस्ट्री के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक है। तो ऋषभ शेट्टी की जो फिल्म आ रही है वो है कांतारा चैप्टर 2, और कांतारा चैप्टर 2 एक मैथोलॉजिकल फिल्म होने वाला है, अंदर ऋषभ शेट्टी सर दिखाई देंगे, वो भी काफी खतरनाक लुक में। यहाँ दोस्तों, आप तो जानते हो कांतारा चैप्टर 1 को लोगों ने कितना ज्यादा पसंद किया था, जिसकी वजह से ऋषभ शेट्टी सर कांतारा चैप्टर 2 भी बना रहे हैं, जिसका एक छोटा सा टीजर भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसे देखने के बाद लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाला है, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 2024 में ही, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 8 पर है आयन मुखर्जी सर, और आयन मुखर्जी सर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है इंडियन सिनेमा में। जी हाँ दोस्तों, आयन मुखर्जी की लास्ट फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, जो बॉक्स ऑफिस में 450 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, वो भी पूरे देश में। तो आप समझ ही गए होंगे आयन मुखर्जी सर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कितने बेहतरीन डायरेक्टर में से एक है। तो आयन मुखर्जी सर का जो फिल्म आ रहा है वो है बॉट 2, और बॉट 2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर रोशन कबीर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और एक बात बता दूं, आयन मुखर्जी सर इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बना रहे हैं, जिसके अंदर ऋतिक रोशन और जूनियर एंटर भी दिखाई देंगे, वो भी लीड रोल में। यहाँ दोस्तों, इस फिल्म में जूनियर एंटर और ऋतिक रोशन एक दूसरे से भिड़ते हुए भी नजर आएंगे, और ये नजारा ये दोनों के बीच काफी खतरनाक लेवल का होने वाला है, जिसे देखने के लिए फैंस लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा ये फिल्म इसमा यूनिवर्स का फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर टाइगर पठान और जिम का कैमरा रोल भी नजर आएंगे। यहाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्टर साहब 400 से 500 करोड़ के बजट में बना रहे हैं, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में 1200 से 1500 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में, क्योंकि इस फिल्म में साउथ और बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार एक साथ नजर आएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, बॉट 2 1200 से 1500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में, जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 15 अगस्त 2025 को, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर।
उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 7 पर है सिद्धार्थ आनंद। और सिद्धार्थ आनंद बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है इंडियन सिनेमा में। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की लास्ट फिल्म आई थी पठान, जिसने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस में, वो भी पूरे देश में। तो आप समझ ही गए होंगे सिद्धार्थ आनंद बॉलीवुड इंडस्ट्री के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक है। तो सिद्धार्थ आनंद की जो फिल्म आ रही है वो है फाइटर, और फाइटर एक रियल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर ऋतिक रोशन जो कि एक एयरफोर्स के किरदार में नजर आएंगे, और साथ ही में दीपिका पादुकोण और रणिल कपूर जैसे बड़े एक्टर भी दिखाई देंगे, वो भी एक एयरफोर्स के रोल में। यहाँ दोस्तों रिपोर्ट का अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म का जो एरियल एक्शन सीन होने वाला है वो काफी खतरनाक लेवल का होने वाला है, जिसे हम लोग इंडियन सिनेमा में पहली बार देखने वाले हैं एरियल एक्शन सीन को। इसके अलावा इस फिल्म को सिद्धार्थ ने 250 करोड़ के बजट में बनाया है, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ, क्योंकि सिद्धार्थ ने इस फिल्म को पैन इंडियन लेवल पर रिलीज करने वाले हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन का कहना है कि ये फिल्म मेरी पहली फिल्म होने वाली है जो बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाला है देश में। तो आप लोगों को क्या लगता है, ऋतिक रोशन की पहली पैन इंडियन फिल्म बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, जोर से कमेंट करके बताना। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 25 जनवरी 2024 को, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 6 पर है अथली कुमार, और अथली कुमार तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है इंडियन सिनेमा में। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर अथली कुमार सर की हाल ही में जवान फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस में 1100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, वो भी पूरे देश में। तो आप समझ ही गए होंगे अथली कुमार तमिल इंडस्ट्री के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक है। तो अथली कुमार सर की जो फिल्म आ रही है वो है शाहरुख खान और विजय सर के बीच एक कॉन्टेंटल फिल्म, और ये फिल्म भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है जवान फिल्म की तरह, जिसके अंदर शाहरुख खान और विजय जो कि लीड रोल में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है डायरेक्टर अथली कुमार सर के तरफ से, क्योंकि अथली कुमार सर फिलहाल इस फिल्म की स्टोरी लिखने में बिजी है। इसके अलावा इस फिल्म का शूटिंग अथली कुमार सर अगले साल से शुरू चालू करने वाले है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का टारगेट है बॉक्स ऑफिस में 2000 से 3000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना, वो भी पूरे देश में, क्योंकि इस फिल्म के अंदर साउथ और बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार एक साथ नजर आएंगे, जिसके कारण ये फिल्म आसानी से 2000 से 3000 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 2026 से 2027 तक के अंदर, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के नंबर 5 पर है नीतीश तिवारी, और नीतीश तिवारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक माना जाता है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से दंगल जैसी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है जो बॉक्स ऑफिस में 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, वो भी पूरे देश में। जी हाँ दोस्तों, दंगल फिल्म का रिकॉर्ड आज तक किसी फिल्म के डायरेक्टर अभी भी नहीं तोड़ पाया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। तो आप समझ ही गए होंगे नीतीश तिवारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक क्यों माना जाता है। तो नीतीश तिवारी की जो फिल्म आ रही है वो है रामायण, और रामायण एक माइथोलॉजिकल फिल्म होने वाला, जिसके अंदर रणबीर कपूर जो कि श्री राम के किरदार में नजर आएंगे, और साथ में साई पल्लवी जो कि सीता माता के किरदार में दिखाई देंगे। यहाँ दोस्तों रावण के रोल में रॉकिंग स्टार यश नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म को नीतीश तिवारी सर 750 करोड़ के बजट में बनाने वाले हैं, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। यहाँ दोस्तों नीतीश तिवारी सर का ये भी कहना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में 1500 से 1800 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में, क्योंकि इस फिल्म के अंदर रॉकिंग स्टार यश और रणबीर कपूर जैसे दो बार सुपरस्टार एक साथ नजर आएंगे, जिसके कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में 1500 से 1800 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, नीतीश तिवारी की ये फिल्म 1500 से 1800 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में, जोर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 2025 तक के अंदर, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के नंबर 4 पर है सदीप रेड्डी बांगा सर, और सदीप रेड्डी बांगा सर तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक माना जाता है, जो अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म बना चुका है इंडियन सिनेमा में। जी हां दोस्तों, सदीप रेड्डी बांगा की हाल ही में एनिमल फिल्म जो बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा रहा है कमाने के मामले में। तो आप समझ ही गए होंगे सदीप रेड्डी बांगा तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर क्यों माना जाता है। तो सदीप रेड्डी बांगा की एनिमल फिल्म के बाद जो फिल्म आ रही है वो है स्प्रिट, और स्प्रिट भी एक मोस्ट वायलेंस गैंगस्टर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर प्रभास नजर आएंगे, वो भी पुलिस ऑफिसर
सर के किरदार में बैलेंस करते हुए। यहाँ दोस्तों इस फिल्म को शदीप रेड्डी बांगा सर एनिमल से भी काफी बड़े लेवल पर बनाने वाले हैं, जिसका शूटिंग 2024 में ही चालू करने वाले हैं बांगा सर प्रभास सर के साथ। इसके अलावा शदीप रेड्डी बांगा का कहना है कि इस फिल्म में प्रभास के साथ एनिमल यानी कि रणबीर कपूर भी दिखाई देंगे, वो भी एक दूसरे से भिड़ती हुई है। यहाँ दोस्तों तो आपके हिसाब से क्या लगता है, शदीप रेड्डी बांगा और प्रभास की जोड़ी बॉक्स ऑफिस में कितना करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में, जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 2025 तक के अंदर ही, वो भी पैन इंडियन बॉलीवुड लेवल पर। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 3 पर है लोकेश सर, और लोकेश सर तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, इसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। लोकेश सर अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है। यहाँ दोस्तों लोकेश सर की लास्ट फिल्म आई थी लियो, जिसने बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा दिया था कमाने के मामले में, तो आप समझ ही गए होंगे लोकेश सर तमिल इंडस्ट्री के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक है। तो लोकेश सर की जो फिल्म आ रही है वो है थलाइवर 171, और थलाइवर 171 एक एक्शन गैंगस्टर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर रजनीकांत सर जो की रीडोल में नजर आए। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म में विलेन के तौर पर राघव लॉरेंस नजर आएंगे, वो भी एक गैंगस्टर के किरदार में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है लोकेश सर और रजनीकांत सर द्वारा, जिसका शूटिंग 2024 से ही चालू करने वाले हैं लोकेश सर। जी हाँ दोस्तों, और रजनीकांत सर का कहना है कि ये फिल्म मेरी पहली फिल्म होने वाली है जो बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाला है, वो भी पूरे देश में। तो आप लोगों को क्या लगता है, लोकेश सर और रजनीकांत सर की जोड़ी बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, जोर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को हम लोग 2025 तक के अंदर ही देख पाएंगे, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 2 पर है एसएस राजामौली सर, और एसएस राजामौली सर तेलुगु इंडस्ट्री के अलावा इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है इंडियन सिनेमा में। यहाँ दोस्तों एसएस राजामौली सर की लास्ट फिल्म आई थी त्रिपाल आर, जिसने बॉक्स ऑफिस में 1200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, वो भी पूरे देश में। तो आप समझ ही गए होंगे एसएस राजामौली सर इंडिया के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक है। तो एसएस राजामौली सर की जो फिल्म आ रही है वो है SS MA 29, और SS MA 29 एक जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर महेश बाबू नजर आएंगे, वो भी एक जंगली लुक में। जी हाँ दोस्तों, और साथी में महेश बाबू के साथ दीपिका पादुकोण भी दिखाई देंगे, वो भी सपोर्टिंग रोल में। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म में थॉर जो कि मेन विलेन के किरदार में दिखाई देंगे, क्योंकि SS राजामौली सर इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बना रहे हैं, जिनकी बजट कम से कम 800 से 1000 करोड़ रुपए के बीच होने वाला है, वो भी इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, और SS राजामौली सर का कहना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में 2000 से 3000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाला है, वो भी पूरे देश में, क्योंकि एसएस राजामौली सर इस फिल्म को ग्लोबल लेवल पर रिलीज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को क्या लगता है, महेश बाबू और एसएस राजामौली सर की जोड़ी बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा सकता है, जोर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को शायद हम लोग देख पाएंगे 2025 तक के अंदर ही, वो भी पैन इंडियन बॉलीवुड लेवल पर। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पर है प्रसन्नील सर, और प्रसन्नील सर भी कन्नड़ इंडस्ट्री के अलावा इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है इंडियन सिनेमा में। जी हाँ दोस्तों, प्रसन्नील सर की लास्ट फिल्म आई थी KGF Chapter 2, जिसने बॉक्स ऑफिस में 1200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, वो भी पूरे देश में। तो आप समझ ही गए होंगे डायरेक्टर प्रसन्नील सर कन्नड़ इंडस्ट्री के अलावा इंडियन सिनेमा के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक है। तो प्रसन्नील सर की जो फिल्म आ रही है वो है शालार, और शालार एक मोस्ट वायलेंट गैंगस्टर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर प्रभास जो कि गैंगस्टर के किरदार में वायलेंस करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही में प्रभास के साथ श्रुति हसन भी दिखाई देंगे। इसके अलावा इस फिल्म में जोगोती बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे, वो भी एक बड़ा गैंगस्टर के किरदार में। इसके अलावा और एक बात बता दूं कि इस फिल्म को पर्सनल सर काफी बड़े लेवल के वायलेंस के साथ बनाया है, जिसके अंदर हमें काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इस फिल्म का हाइप आप तो जानते हो कि इंडियन सिनेमा में कितनी खतरनाक लेवल का है, जिसके कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में। आप लोगों को क्या लगता है, प्रभास और प्रसन्नील सर की जोड़ी बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा सकता है, जोर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 22 दिसंबर 2023 को, वो भी इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। रिक्वेस्ट। तो यही थे इंडियन सिनेमा के 10 सबसे बड़े पैन इंडियन डायरेक्टर। तो आप लोगों का इनमें से कौन सा फेवरेट डायरेक्टर है, जोर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा यदि आप मेरा रोस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, चेकआउट एक बार के लिए जोर से कर लेना, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जोर से कर देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।